मिनट का ब्रेक और 2 सेकंड सुनने के लिए। खुशखबरी ये है, जो आपको शायद पता भी है लेकिन बता हम देंगे, 1-2 दिन पहले असेंबली की थी हम लोगों ने, और उस असेंबली में हमने ये कामना की थी कि कुछ ऐसा हो जो भारतीय टीम की तरफ हम अपनी शिप्रा को देख पाएं, और वो कामना हमारी इतनी जल्दी पूरी होगी इसकी उम्मीद न थी। आज शिप्रा गिरी बोर्ड प्रेसिडेंट 11 टीम का हिस्सा है और स्क्वाड में अनाउंस हुई है। कल देर रात को ये बात पता चली थी हम लोगों को, और उसके बाद हमारे लिए खुशी का ठिकाना नहीं कि हमारी लाइफ में ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं और आपके साथ भी ये जो आ रही हैं, ये वाकई में एक सौभाग्य ही है। और सब कुछ हकीकत में दिखता नज़र आ रहा है, हम खुद हतप्रभ हैं, और आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि वास्तव में लाइफ का जो अचीवमेंट है वो कुछ इसी तरीके से हासिल किया जाता है। कहीं ना कहीं आप इससे मोटिवेट होंगे ज़रूर से। आज हम शिप्रा से, चूँकि दिन में कल उस दिन शाम को बात कराए थे तो कैमरा भी नहीं ऑन था, लेकिन आज शिप्रा की आवाज़ भी सुनेंगे और बातें भी सुनेंगे साथ साथ। लेकिन उससे पहले एक सेलिब्रेशन है छोटा सा, क्योंकि मैच चल रहा है, तो मैच से पहले एक सेलिब्रेशन हम चाहेंगे कि शिप्रा को यहाँ बुलाएं, और प्लीज़ यहाँ पर आ जाइए शिप्रा, और इनका मुँह मीठा करेंगे हम एकेडमी की तरफ से शिप्रा का। ले आइए बेटा, उधर से ले आओ। अब जनरली तो क्या होता रहा है कि जो हमारे वरिष्ठ खिलाड़ी रहते हैं वो भी हम साथ में बुलाते हैं एक एक। पहले तनु हुआ करती थी, अब तनु इस समय यहाँ नहीं है, तो इधर से वरिष्ठ खिलाड़ी एक जो सबसे वरिष्ठ है वो आ जाइए, जल्दी आइए। और गर्ल्स सेक्शन में जो इस समय सबसे वरिष्ठ खिलाड़ी है वो आ जाइए, आ जाइए निक्की। और सबसे पहले, हालांकि ये खाती बहुत कम है हम जानते हैं, ये सब चीज़ खाती भी एक नहीं खाती है, लेकिन नहीं खाती, तो इनको हम केवल टच कराएंगे। ये एक खुशी है हमारे लिए, सेलिब्रेट ताली। निक्की उसमें लगा दो, दोनों में लगा, प्लीज आप इधर आ जाइए जरा, ऐसे ही दे दे रहा हां सर, चलो ठीक, थोड़ा 2 मिनट रुक जाइए, पहले बोल दे बेटा। हम एक बार फिर से सामने लाए हैं वही चेहरा और उसी उम्मीद के साथ। थोड़ा सा इधर आ जाओ, इधर से लाइट आए इस तरफ से। आप लोगों के बीच में हम लाए हैं वही चेहरा और एक और शानदार उपलब्धि हासिल किया है शिप्रा ने, और उम्मीद है कि मेरा अपना आप मानना है, और ये कॉन्फिडेंस, मेरी खुशियाँ मुझे ये बता रही हैं कि न सिर्फ अब ये उम्मीद कि इंडिया खेलना है, आप उस उम्मीद की तरफ चले जाइए जहाँ इंडिया में खेलते हुए हम शिप्रा गिरी को न जाने कितने अरसे, कितने साल तक देखेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि किस तरीके का डेडिकेशन है, किस तरीके की मानसिकता है शिप्रा में, किस तरीके से लड़ने की क्षमता है। तो हम सभी खिलाड़ियों के बीच में शिप्रा से एक बार ये कहेंगे कि शिप्रा, अपने दिल की बातें और साथ ही साथ अपनी खुशियों के बीच में अपनी एकेडमी में कभी भी आना नहीं भूलती, अपनी एकेडमी के बीच में शेयर करना नहीं भूलती, अपने कोच से, अपने कोच के दिलों के दिल के पास तक रहना कभी नहीं भूलती। तो ऐसे में जो खुशियां मिलती हैं वो वाकई में बेहद लाजवाब होती हैं। एक कोच कम पिता के रूप में ज़्यादा अपने आप को महसूस कर पाता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि 2 शब्द इन खिलाड़ियों के बीच में मोटिवेटिव पार्ट के रूप में बोलें। शिप्रा प्लीज, आप लोग इधर आ जाइए इस साइड, बस लाइट आ रही है। आज जैसे मुझे रात में पता चला था 10 बजे के करीब कि मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो फिर मैंने सबसे पहले फिर सर को फ़ोन करा और सर को बताया कि सर ऐसा ऐसा है, फिर सर ने मुझे बताया और बाकी मैं फिर उस वक्त घर वालों को बताया, तो सब बहुत खुश हुए थे। फिर फ़ोन आने लगे, मेरे पास सब कुछ होने लगा, तो जिस चीज़ के लिए मैंने मेहनत करी थी उस स्टेज पे मैं पहुंच ही गई हूँ। बस ये मैं यही सबसे कहना चाहूँगी कि हार्डवर्क करते रहना है, आप जितनी मेहनत करोगे ना मंजिल एक ना एक दिन सबको ज़रूर मिलेगी। बस हम कितनी लगन से उस मेहनत को करते हैं वो मायने रखता है। प्रैक्टिस सब करते हैं लेकिन हमारा डेडिकेशन कितना है उस प्रैक्टिस को लेके,
ये हमें पता है। आज हम अभी बातों बातों में आपको बताएं कि कुछ ऐसे स्टेप्स पर ले चल रहे हैं, और आप लोगों को भी ओपनली थोड़ा सा 2 मिनट का आपको टाइम देते हैं कि आप भी कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं, जिससे आपको जो दुविधाएं हैं, जो समस्याएं हैं, या फिर जिस प्रकार से आपको असमंजस की स्थिति होती है क्रिकेट खेलने के दौरान, वो पूरी होगी। लेकिन उससे पहले हम 3 पार्ट पर लेके चलते हैं शिप्रा को। सबसे पहले फिटनेस जो सब्जेक्ट रहा है शुरुआती दौर में, शिप्रा को अगर किसी ने देखा होगा या फिर शिप्रा खुद अपने दिल की बात अभी बयां करेंगी, और आज की फिटनेस और कितना अहम है फिटनेस। आजकल मैंने उस दिन भी बोला था कि फिटनेस बहुत मस्ट है। आपके पास कितनी भी स्किल है ना, वो कोई नहीं देखेगा। अगर आप फिट हो तो ही आपको आगे प्रमोट करेंगे। अगर आप फिट नहीं हो ना, आपकी स्किल आपकी किसी काम की नहीं रह जाएगी। आज के लिए क्रिकेट में फिटनेस सबसे मस्ट है, फिर आपकी स्किल है। तो फिटनेस आप सबको करनी है, फर्स्ट प्रेफरेंस आपको अपनी फिटनेस को ही देना है, स्किल तो होती रहेगी। दूसरे पार्ट पर हम ले चलते हैं, जहां हम आपको बता देंगे, हम अक्सर ये बात बयां करते रहे आप लोगों के सामने, हो सकता है आप लोगों को अजीबोगरीब लगता रहा हो, कि क्रिकेट में स्किल डेवलप करने के लिए जो प्रैक्टिस सेशन होता है उसे कैसे सेशन बनाया जाता है, कैसे उस प्रैक्टिस को एक वाकई में एक ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जो शिप्रा से बेहतर कोई नहीं जानता। जितनी चतुराई, जितना लाजवाब तरीका, जितना लोगों के साथ समर्पण, उन सब के बीच में प्रैक्टिस करती है, वो एक बार आप सुनिए प्लीज। मेरा यही होता है कि मुझे जिस चीज़ पर मैं सोच घर पे रहती हूँ तो दोपहर में सोच रही हूँ, तो मुझे इस चीज़ पे काम करना है। आप भी ये सोचा करें कि मुझे आज जाना है ना, तो मुझे किस चीज़ पे अपनी, क्या मेरा वीक है, मुझे किस चीज़ पे काम करना है, वही चीज़ आया करिए। आप उसी चीज़ पे वर्क करा करिए कि आज मुझे ये करना है, कल मैं ये करूँगी, परसों मैं ये करूँगी। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, अपनी वीकनेस पे वर्क करना है आपको कि मुझे आज ये खेलना है, इतना खेलना है, ये शॉट्स खेलने हैं, तो ये आगे आप अपनी स्किल इम्प्रूव कर पाओगे। अब बात आती है क्रिकेट में तमाम अनिश्चितताओं की, असमंजस की। हम जानते हैं कि जब आप क्रिकेट का बल्ला उठाते हो ना, तो बहुत सारी भ्रम की स्थिति होती है, डांट पड़ती है आपको, एकेडमी में आपको तमाम बिहेवियर्स के साथ चलना पड़ता है, झेलना पड़ता है आपको, तमाम लोगों के विचारों के बीच में आपको अपने आप को एडजस्ट करना होता है। बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे होते हैं ना जो एकेडमीज में अपनी एक दीवार खड़ी कर देते हैं, कभी किसी खिलाड़ी के साथ तो कभी कोच के साथ ही उलझकर, कभी किसी सबको लगभग पहुंचा दिया, और तब से लेकर के आज तक सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी एकेडमी जो स्पोर्ट्स टैलेंट क्रिकेट एकेडमी है, उस दरवाजे पर, उस प्लेटफॉर्म को सजा दिया। ये है शिप्रा गिरी, और बताइए आप कैसे। मेरी ये सोच होती है कि जिसने मुझे सिखाया, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और जब मैं खेलना सीख गई, सारी चीज़ें सीख गई, तो फिर मैं उस कोच को क्यों छोड़ूं, क्योंकि सारी चीज़ें तो उन्होंने मुझे सिखाई। फिर मैं सब मुझे बोलते हैं तुम वहाँ जाओ वहाँ जाओ, मैं क्यों जाऊँ वहाँ पे, जब मुझे यहीं पर रह के मुझे सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है, खेलने को मिल रहा है, वही कोच है जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, तो फिर मैं उस कोच को क्यों छोड़ के जाऊँ। मैं तो सबसे यही बोलती हूँ कि मेरी यही सोच है, बाकी लोग क्या सोचते हैं मुझे उससे नहीं मतलब है। जिस कोच ने मुझे सिखाया है मैं उसी के पास रहूँगी, जब तक खेलूँगी तब तक वहीं पर रहूँगी, करना चाहिए मेरे हिसाब से। ये प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, और जब हमारा बच्चा ये बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे सांसें सांस से जुड़ जाती हैं। फिलहाल इसके बाद मैं उस पॉइंट पे जा रहा हूँ जहाँ पर स्किल और फिटनेस के बीच में एक चालाक और चतुर, देखिए क्रिकेट सब कहते हैं ना डिसिप्लिन का गेम है, हमारी डिसिप्लिन अच्छी होनी चाहिए ना, तो सब हमें लाइक करते हैं। हमें अपना नेचर ऐसा बनाना है कि हम गेम वाइज भी अच्छे हों, अपना हमारा नेचर भी अच्छा हो, और बात रही कि हम स्मार्ट, क्रिकेट कहते हैं स्मार्ट बन के रहना है हमें, कि हम अपनी प्रैक्टिस में कैसे क्या कर सके, फिर कुछ भी जो भी कर रहा हूँ उसमें स्मार्ट चालाक बनना है आप लोगों को, है ना, कि मैं कैसे क्या चीज़ें कर सकूँ। टाइम बहुत कम रहता है, हम कितने देर ग्राउंड पर रहते हैं, 3 से 4 घंटे, उस 3-4 घंटे को हमको यूटिलाइज़ करना है, उसको वेस्ट नहीं करना है, उस वक्त का यूज़ करोगे तो ही आप आगे की लेवल को अचीव कर पाओगे। जैसे हम किसी भी चीज़ पे वर्क करते हैं तो कोई भी चीज़ें होती है ना थोड़ा टाइम टेकन होती है, बट हमें उस पर हार नहीं मानना है, अपने आप को पुश करना है कि नहीं मुझसे होगा, पॉजिटिव माइंड रहो। 1% भी नेगेटिव आएगा ना तो वहीं से आप डाउनफॉल हो जाओगे। ऑलवेज अपने मन में पॉजिटिविटी लाओ तो आप जल्दी ग्रो करोगे। कभी